हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ोरबानी ब्लॉग्स। आज हम बना रहे हैं चिकन ओट सूप, तो आइए देखते हैं उसके लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम चिकन। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। ये देखिए, बटर लिया है, वन टेबल स्पून नमक, वन टेबल स्पून मैदा, वन टेबल स्पून ओट्स, हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, वन टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, पांच ग्लास हमने पानी लिया है। आप चाहें तो और भी पानी ले सकते हैं अगर आपको चिकन सूप और बढ़ाना है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस की फ्लेम हमने ऑन किया, एक पैन लिया, पॉट लिया, हमने पॉट में पानी डाला, उसमें चिकन पीसेस को डाल दिए। ये देखिए, हमने चिकन पीसेस डाल दिए, पानी और चिकन पीसेस अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। ये चिकन अब हमने इसको स्टॉक निकाल लिया, दो पार्ट में ये मेरा कर दिया, एक में चिकन स्टॉक निकाल दिया और ये चिकन को हमने निकाल के अलग कर दिया। ये ठंडा होने के बाद इसके को हम देखिए, ये ठंडा हो गया है। अब इसको हमने इसका श्रेड कर लेंगे। ये श्रेडेड चिकन मेरा हो गया। इसको दो पार्ट में इसलिए कर लिया कि आधा हम इसमें सूप में डाल देंगे, आधा बाद में ग्राइंड करके सूप में डालेंगे। पहले सूप के बनाते टाइम डालेंगे, जब सूप मेरा रेडी हो जाएगा, रेडी होने से पहले हम तब दूध के साथ ग्राइंड करके डालेंगे, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में कर लिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन ओट सूप बनाना, तो इसके लिए हमने बटर डाला। ये देखिए, बटर हमने डाल दिया है पॉट में। बटर डालने के बाद स्प्रिंग अनियन डाल रहे हैं। ये एक टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन है, उसको हमने पॉट में डाला। बटर, स्प्रिंग अनियन, नमक बाद में डालेंगे। बटर, गार्लिक, स्प्रिंग अनियन, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से चला देना है। चलाने के बाद ये चिकन स्टॉक को डालते रहना है। थोड़ा सा स्टॉक बचा लेंगे क्योंकि अभी हमने मैदा जो बचाया है, मैदे को इसी में घोल के हमको डाल देना है। ये देखिए, ये मैदा हम इसी में डाल रहे हैं। ये देखिए, अच्छे से मैदा इसी में ये काली मिर्च जो बचाया था इसको डाल देना है। ये डाल दिया हमने, सारी चीज़ों को एक एक करके डाल दिया। मक्खन, लहसुन, ओट्स, नमक, मैदा, स्प्रिंग अनियन, सब चीज़ों को डाल दिया। अब ये श्रेडेड चिकन इसमें डालना है, तो ये हाफ श्रेडेड चिकन इसमें ये डाल दें।
ये हाफ श्रेडेड चिकन जो बचाया था इसको हमने दूध में ग्राइंड किया और इसको उसमें पोर कर देगा। और इसको अच्छे से एक बॉईल करना है। ये मेरा बॉईल होके कंप्लीट हो गया, ये मेरा बन के रेडी है। आइए अब इसको सर्व करते हैं। ऊपर से बटर डालें, बटर से इसका टेस्ट और अच्छा आता है, इन्हेंस होगा। तो आइए, कैसा लगा ये आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। प्लीज़ लाइक करिए।